नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत हार चुका है और यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हारना एक अलग ही दुख है। हमारी जो स्ट्रीक थी वर्ल्ड कप में कि हम पाकिस्तान से कभी नहीं हारे थे, वो स्ट्रीक अब टूट चुकी है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मौका मौका वाले मीम्स, वो एड्स अब सब बंद हो जाएंगे। ओवरऑल भारत के लिए कल का दिन अच्छा नहीं था और पूरा देश सही मायने में शॉक्ड था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत पाकिस्तान से आ जाएगा। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग शायद दिमाग से पैदल है। जरूर वो कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो अपने आप को भारत पाकिस्तान वाली चीज़ों से ऊपर उठा मान चुके होंगे, क्योंकि भारत के ही कुछ लोग पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में पटाखे फोड़ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान जीता, वैसे दिल्ली के कुछ एरियाज में और भारत के कुछ पार्ट्स में हमारे ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे। भारत के जीतने पर पटाखे फोड़ना तो समझ आता है, लेकिन भारत के हारने पर जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ना, ये तो मेरी समझ से बाहर है और मैं इसे देश से गद्दारी मानता हूँ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक बात मुझे अच्छी लगी, कुछ देश के जाने माने लोग, कुछ सेलिब्रिटी खुलकर बोले हैं, क्योंकि अक्सर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ऐसे मुद्दों पर चुप रहते हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर इस बार चुप नहीं रहे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि दिवाली पर पटाखे तो बैन है, लेकिन कुछ लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पटाखे फोड़ रहे हैं। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कि वो क्रिकेट की जीत पर ये पटाखे फोड़ रहे हो, लेकिन क्या फिर दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखे ज्यादा हार्मफुल है? इतनी हिपोक्रेसी क्यों? क्यों सारा ज्ञान उसी टाइम याद आता है? वीरेंद्र सहवाग का यह ट्वीट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी काफी टाइम से ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों फेस्टिवल्स पर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और अब जब एक सेलिब्रिटी इस बात पर जोर दे रहा है तो बात में वजन और बढ़ चुका है। और गौतम गंभीर ने भी इस पटाखे के मामले में कुछ ट्वीट किया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि जो भारत के हार्वर्ड पटाखे फोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली इंडियंस तो नहीं है। बात तो सही है, किसी भी हाल में अगर भारत की हार पर कोई पटाखे फोड़ रहा है, जश्न मना रहा है, तो मैं तो उन्हें इंडियंस नहीं मानता। मतलब चाहे कोई भी वजह हो सकता है कि वो पटाखे इसलिए लाए हों क्योंकि शायद वो श्योर थे कि इंडिया पक्का जीतेगी और जीतते ही हम पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन हारने के बाद ये सोचकर चला दिया होगा कि अब इनका करे क्या, इनको फोड़ ही देते हैं। अगर ये बात भी है तो भी गलत है, इनको फेंक दो लेकिन फोड़ो मत। अगर उन लोगों ने ये सोचकर पटाखे चलाए हैं कि चलो ठीक है, इन्हें फोड़ते हैं, भारत वालों को मोटिवेट करते हैं कि अभी सिर्फ एक मैच ही तो हारे हैं, आगे पूरा टूर्नामेंट है, हम जीतेंगे, तब भी भारत की हार पर पटाखे चलाना गलत है। और वो लोग अगर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चला रहे हैं तो भाई साहब मामला ज्यादा सीरियस है, देश के अंदर ये लोग गद्दार बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर गद्दारों के बाद छेड़ी दी है तो उन पर सवाल भी उठना चाहिए जो मोहम्मद शमी को इस बात पर ऑनलाइन बुली कर रहे हैं, बहुत गलत गलत ट्वीट्स उनके खिलाफ लिखे जा रहे हैं। कुछ लोग मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को हरवा दिया, तो कुछ लोग बीच बीच में ये बात भी डाल रहे हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को जिता दिया। अगर लोग रिलीजन की वजह से शमी को ट्रोल कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं मानता हूं कि शमी कल बहुत एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन क्या कोई और भी बॉलर था जिसने कोई विकेट ली हो? किसी भी बॉलर का परफॉर्मेंस कल अच्छा नहीं था, और लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप 2019 में शमी ने काफी विकेट्स ली थी और भारत की जीत में उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। और जब हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें तो धर्म घुसाना ही गलत है। मोहम्मद शमी ने भारत को बहुत बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और कमिटमेंट पर सवाल उठाना एक बेवकूफी होगी। ऐसा करके बस आप लोगों को इंडिया पर और इंडिया की टीम पर हंसने का एक मौका दे रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने भी मोहम्मद शमी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है, और कुछ दिन पहले तो हम इस बात को लेकर गर्व कर रहे थे कि भारत की टीम में हमें हर धर्म के खिलाड़ी को देखने का मौका मिलता है, चाहे वो जहीर खान हो या मोहम्मद शमी, हमें सब पर गर्व है। और आज मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कोई बात नहीं, अगले मैच में न्यूजीलैंड को हराएंगे और आगे टूर्नामेंट जीतकर कप लाएंगे। लेकिन भारत के कुछ लोगों का क्या करें? हमारी कांग्रेस की राधिका खेरा बोलती है, क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवा ली बेइज्जती, और पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर ये ट्वीट आया है। मैं तो ये मानता था कि इंडिया की टीम को सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद राधिका का मानना है कि सिर्फ जो भक्त है वो ही टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ भक्त ही भारत के निवासी है? क्या सिर्फ भक्त ही इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे? अगर देश को सपोर्ट करने वाले देशभक्त इंडिया के हार पर दुखी है तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। वो 100 गुना अच्छे हैं आपसे, क्योंकि कम से कम वो अपने देश को सपोर्ट कर रहे थे, देश की हार पर हंस नहीं रहे थे। तो राधिका खेरा जैसे नेता का ये ट्वीट एकदम बकवास था। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और शमी के ट्रोल होने पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि शमी हम तुम्हारे साथ हैं, ये लोग नफरत से भरे हैं क्योंकि इन्हें कभी प्यार नहीं मिला है, उन्हें माफ करना। और ओवैसी ने भी शमी को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है, और मैं इसे सही भी मानता हूँ क्योंकि देश के क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सब लोग कश्मीर और बांग्लादेश के इश्यूज पर चुप क्यों रहते हैं? क्या वहाँ एक ट्वीट नहीं बनता था इन सब पॉलिटिशियंस का? और ये सवाल मेरा कांग्रेस से नहीं है, देश के सभी राजनेताओं से, सभी अभिनेताओं से हैं। क्यों ये सभी लोग बांग्लादेश में हो रहे ऐसे इंसिडेंट्स पर बोलने से डरते हैं? क्यों वहाँ ये लोग कमेंट नहीं करना चाहते? अभी यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, सभी पॉलिटिशियंस राम भक्त बन जाएंगे, लेकिन जो रियल में राम भक्त है उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं। उनके लिए ट्वीट कौन करेगा?
कोई नहीं। और दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि शमी के खिलाफ जो ट्वीट्स हुए हैं वो पेड है, वो फेक है, ताकि नेता उसको सपोर्ट करके लोगों को इम्प्रेस कर ले। हो सकता है पेड हो, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। मेरे हिसाब से ये रियल ट्रोल है, क्योंकि पहले भी जब भारत कोई बड़ा मैच हारी है तो हमें पहले भी ऐसे काफी ट्रोल्स देखने को मिले हैं। धोनी, युवराज, इन सबके पुतले जले हैं। तो भारत में लोग हमेशा से ये करते हैं और ये मेरे मानने में पूरी तरह गलत है। लेकिन दोस्तों मौका चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी मौका नहीं छोड़ते कि कैसे भारत में लड़ाई करवाई जाए। हम गधे सही है, हम गधे पता है। पाकिस्तान के मंत्री ने यह बयान दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत के मुसलमान जज्बाती तौर पर पाकिस्तान के साथ थे। उन्होंने तो यह बयान दे दिया, लेकिन बाद में इस पर लोग लड़ते हैं। मैं ये कहता आया हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच उन चीजों में से एक है जहाँ लोग धर्म, जात, ये सब छोड़कर टीम इंडिया को फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जो कि ये पटाखे फोड़ रहे हैं, वो खाते इस देश का है, लेकिन जश्न पाकिस्तान का मनाते हैं। कंट्रोल। लेकिन फिर भी सभी देश के लोग मिलकर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्या भारत के एक भी मंत्री ने कभी ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के हिंदू जज्बाती तौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत के साथ थे? नहीं, क्योंकि इतनी सेंसिबिलिटी हम में है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और सबके लिए घर, परिवार, धर्म सबसे ऊपर देश आता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये कभी नहीं समझेंगे। लेकिन दोस्तों एक ही दिन में हमें क्या देखने को मिला कि सेलिब्रिटी दिवाली पर हो रही हिपोक्रेसी के खिलाफ सामने आए हैं। उन्होंने फेस्टिवल प्रोपेगेंडा का विरोध किया है। दूसरी बात, लोग एक चैंपियन प्लेयर को एक खराब दिन के लिए ट्रोल कर रहे हैं। और तीसरी बात, भारत में भी काफी लोग हैं जो गद्दार हैं, जो भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को एक अलग लेवल पर लेसन मिलना चाहिए कि कम से कम जिस देश का खाते हो उसके तो हो। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।